आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम इस वीडियो में जो केस करने वाले हैं उस केस का नाम है माइल वर्सेस क्लर्क, जो कि 1953 का केस है। अगेन ये केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पर बेस्ड है 1932। और यहाँ पे ये जो केस है ये बेसिकली सेक्शन 14 पर बेस्ड है। सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूरी यहाँ पे फर्म की मानी जाएगी और कौन सी प्रॉपर्टी फर्म की नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस केस के फैक्ट देखते हैं। जो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट यहाँ पे बिजनेस शुरू करता है फोटोग्राफी का एज अ फोटोग्राफर। अब उसके बाद यहाँ पे अपने प्रेमिसेस में उसकी अपनी प्रेमिसेस होती हैं और इसके साथ ही यहाँ पे वो उसको ऑनर होता है, बट उसको लॉस देखना पड़ता है। लॉस क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि उसको तो फोटोग्राफी आती ही नहीं और जिसका बिजनेस उसने किया है वो फोटोग्राफी का है। अब उसके बाद यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, वो ये आता है कि जो यहाँ पे प्लेंटिफ है, लेक ऑफ स्किल, जो यहाँ पे हमारा डिफेंडेंट है, यहाँ हमारा प्लेंटिफ है। डिफेंडेंट के पास स्किल्स नहीं है लेकिन उसने बिजनेस शुरू कर दिया। जो हमारा प्लेंटिफ है उसके पास स्किल्स हैं, स्किल्स के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर भी है, उसके पास लिंक भी काफी सारे हैं जिससे वो क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा अर्न भी कर सकता है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, दोनों, एक के पास कुछ है एक के पास कुछ है, दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे पार्टनरशिप हो जाती है। दोनों मिल गए, पार्टनरशिप हो गई। पार्टनरशिप कैसे, उसके टर्म्स और कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले जो उनका पार्टनरशिप नहीं, उनका एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्या है कि अनफेमिलियर है, मतलब कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स नहीं, यहाँ पे वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट होता है इनका, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट किस चीज के लिए होता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए, जो प्रॉफिट अराइज होगा उनके काम से उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम तक बहुत सही चलता है, थोड़े टाइम तक दोनों में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर भी होता है, बट कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में फाइट हो जाती है, छोटी बात पे कुछ क्वेरल्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपना एग्रीमेंट डिसॉल्व करना पड़ता है। अब इस डिसॉल्यूशन के बाद प्लेंटिफ, जो हमारा प्लेंटिफ है, वो क्या करता है, डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है, उसको सू करता है। अब यहाँ पे उसकी कंटेंशन क्या होती है, जो हमारा प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ की कंटेंशन होती है कि जब एग्रीमेंट डिसॉल्व हुआ है तो जो उनकी यहाँ पे फर्म थी एक तरह से, उसका भी डिसोल्यूशन होना चाहिए, उसके प्रेमिसेस का भी डिसोल्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी का भी डिसोल्यूशन होना चाहिए, सारा जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व होना चाहिए और उसको भी उसका पार्टीशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे लीगल इशू यही सामने आता है कि जो पूरा बिजनेस, जो पूरे बिजनेस की प्रेमिसेस है वो डिफेंडेंट को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब पूरा एग्रीमेंट पहले स्टार्ट हुआ था तो एग्रीमेंट स्टार्ट होने से पहले वो सारी प्रेमिसेस, सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, वो हमारे डिफेंडेंट साहब की थी। अब जो प्लेंटिफ का कहना है कि उन्हें भी चाहिए डिसोल्यूशन के बाद, तो लीगल इश्यू तो यही बनेगा कि क्या इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोर्ट क्या कहती है कि सेक्शन 14 को बताती है। सेक्शन 14 को बताते हुए वो ये कहती है कि जो प्रॉपर्टी ओरिजिनली एकदम स्टार्टिंग से ये बात क्लियर हो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि वो प्रॉपर्टी दोनों की होगी, एग्रीमेंट में वो प्रॉपर्टी दोनों की होगी या वो प्रॉपर्टी पूरी फर्म की होगी, तब उसमें डिसोल्यूशन के बाद आप डिमांड कर सकते हो। या जो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है, जो पूरे फर्म की प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर किया गया है एज अ पूरी फर्म के लिए परचेस टाइप किया गया है, तब यहाँ पे डिसोल्यूशन के बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लैक ऑफ इंटेंशन, अगर इंटेंशन ही नहीं है कि हम उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे, और दूसरी चीज लैक ऑफ इंटेंशन, सेकेंड चीज यहाँ पे पहले से वो किसी एक पर्सन की ऑनरशिप में है और उस पर्सन ने एग्रीमेंट के टाइम भी क्लियर नहीं किया है कि वो प्रॉपर्टी एज अ फर्म की होगी, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन के लिए आप डिमांड नहीं कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जो कोर्ट होता है वो ये कहता है कि एविडेंसेस जो हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि ये जो है, जब ये इसमें आया था कि वो कॉमन स्टॉक नहीं था, यहाँ पे जो हमारे प्लेंटिफ साहब है
प्लेंटिफ ने यहाँ पे वो एंटर तो हुए लेकिन डिफेंडेंट ने उनको प्रॉपर्टी के इक्वल राइट्स नहीं दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये कहता है, एग्रीमेंट इनका ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ जो इक्वल राइट होगा वो प्रॉफिट पर होगा, लॉस पर होगा, प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी बिलोंग जो कर रही है एक पार्टी से वो पूरी फर्म की नहीं होगी। और इन सभी कॉमन फैक्ट्स के अलावा कुछ यहाँ पे कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी, कुछ चीजें भी बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि लीज ऑफ द प्रेमिसेस, इक्विपमेंट्स, पर्सनल गुडविल्स, ये एक पर्सन की प्रॉपर्टी होती है। इस पे पूरी फर्म के पार्टनर्स जो है वो क्या नहीं कर सकते, अपना जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। उसके साथ ही पूरी फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी कही जाएगी, वो प्रॉपर्टी जो कंज्यूमेबल स्टॉक्स हैं, जो ट्रेड के अंदर स्टॉक्स यूज हो रहे हैं, जो इक्वली यूज्ड बिजनेस में जो चीज़ें इक्वली एक्चुअली यूज होती हैं इक्वली, वो तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि रियल इंटेंशन किसकी क्या है। तो इस केस में कोर्ट ये कहता है कि जो हमारे डिफेंडेंट हैं वो डिसोल्यूशन जो प्रॉपर्टी है उसके डिसोल्यूशन के लिए लायबल नहीं है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।